अरे क्या यार है, रात भर मगजमारी किया, खुद भी नहीं सोया, मेरे को भी नहीं सोने दिया, क्या हुआ, चली गई ना? चल अभी हिम्मत बता, एक काम कर, उसको लिफ्ट दे। लिफ्ट? टटटंग, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। ओह, बॉनेट खोलिए, मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? अरे आपका तो स्पार्क प्लग ही गायब है। ओह शिट, मुझे घर जल्दी पहुंचना था। अच्छा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओह, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे भी फ्री हूँ। ओके ठीक है, मगर आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी वहाँ। हाँ पर रुस्तम, तारू दारू पीवानू ओछू कर, नहीं तो तू काम होते मरी जैसे। अरे डार्लिंग, अपना गाड़ी का मॉडल और ये गाड़ी का मॉडल सेम है ना? हाँ डार्लिंग, अरे नंबर पर बिल्कुल सेम छे। नंबर नहीं, नंबर सेम तो अपनी गाड़ी छे। वो गाड़ी चोरी करके चला गया। गाड़ी चोरी किया ना? हाँ, पुलिस जाने का, खिलाने का नहीं, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है? फिर तेरे को याद आता है? क्या याद आता है? गफलत का गैरेज। अरे कौन गफलत बाबा? मेरे लाल गाड़ी, तेरे को याद नहीं आता है? अरे कौन सा लाल गाड़ी बाबा? छोड़, गाड़ी चोरी करने का डंडा कट्टा। ए बाबा, अरे क्या हुआ बाबा? डंडा है क्या? अरे उठाओ भाई। आपने खामखा तकलीफ की अपना काम छोड़ के। नहीं, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ जी। हाँ, अब वैसे भी मुझे ये गाड़ी कहीं पहुंचानी है तो आपको रास्ते में छोड़ दूंगा, यही मेरा काम है ना, कहीं से गाड़ी खरीद लेता हूँ फिर दूसरी जगह बेच देता हूँ। ओह, तो आप कार से डील करते हैं? ओके। आपको पुरानी गाड़ी पसंद है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? अच्छा, मुझे लगा कि आप। इट्स ऑल राइट, वैसे भी मेरा घर आ गया है, आगे से राइट। पुलिस आपके घर के बाहर? मेरे अंकल पुलिस कमिश्नर है। थैंक यू। थैंक यू। बड़ा अजीब लग रहा है, थैंक यू तो कह रही हूँ लेकिन जानते नहीं किसको कह रही हूँ जी। मेरा मतलब आपका नाम? ओह विजय। थैंक यू विजय। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। सॉरी अंशु। बाय। मैं बाद में बात करती हूँ। हाय आंटी। कौन था वो? कौन कौन आंटी? वही जो तुम्हें छोड़ने आया था। ओह वो विजय, वही जो हमेशा हर जगह मुझसे टकराता रहता है। टकराता रहता है? ओह गॉड, भाई आदमी है कि गाड़ी? बिल्कुल पागल लड़का है आंटी, उस दिन अपने मरीज के लिए लाए हुए फूल मुझे दे दिए। हो सकता है तुम उसे अच्छी लगती हो। सो फनी आंटी, आज सर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खबर सुनते उसका मुंह उतर गया और वो डॉक्टर को समझा रहा था कि सर को हॉस्पिटल में रखने के लिए। डॉक्टर ही कंफ्यूज हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि गुस्सा करूं या हंसूं। अब आप ही बताएं आंटी, एक भले चंगे आदमी को कोई जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखने की कोशिश करे जबकि उसका मरीज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? Isn't that strange? हो सकता है उसका मरीज से नहीं, मरीज को देखने आने वालों से कुछ लेना देना हो। मतलब? मतलब तुमसे? मुझसे? हाँ मुझसे। वो क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है बुद्धू लड़की। और मुझसे? हाँ, ऐसी हरकतें तो आदमी तभी करता है। ये हो सकता है कि ये उसका पहला मौका हो। लेकिन तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? आदि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो हो जाओ, तुम तो मुस्कुरा रही हो। अंशु, you're in love baby। आदि अब क्या कह रही हैं? वही जो तुम इतनी देर से सुनना चाहती हो और वो तुमसे कहना चाहता है। नहीं यार, मैं नहीं बोल सकता। नहीं बोलेगा ना? ठीक है, तेरी तरफ से मैं बोल डालता हूँ आई लव यू। चलना, मजाक मत कर यार। कमाल है यार, ना खुद बोलेगा ना मेरे को बोलने देगा, ऐसे गुंगा बना रहेगा। अरे जिस दिन बोलेगा वो बेरी हो जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी मेरे भाई। समझा कर, प्यार अंधा होता है। रोमियो से लेके मजनू तक, फराज से लेके खादिम गफलत तक, सबको बोलना पड़ा आई लव यू, तब जाके आपकी स्टोरी आगे बढ़ी ना। क्यों मैं छिले हुए अंडे,
तेरे टकले पे किसने हाथ फिराए थे? रविंद्रनाथ का फ्लड अपना थकेला स्टोरी अपने पास ही रख क्या? कैप्टन एक काम कर, फोन उठा और सब बोल डाल। रोज बात कैप्टन, यहाँ से फोन उठा, वहाँ घंटी बजी, समझो शहनाई बजी। हेलो, यस अंशू, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, बस तुमसे यही कहना था। अब चाहे तो मुझे मारो पीटो कुछ भी कर दो, मैंने तो बोल दिया आई लव यू। तुम बस 20 साल लेट हो गए, अनफॉर्चुनेटली मैं शादीशुदा हूँ। क्या? मैं अंशु की आंटी बोल रही हूँ बेटा। चले बजेगी ना, बैंड बज गई, उसकी आंटी को बोल दिया। किसका फोन है आंटी? तुम्हारा ही है, लो अंशु से बात करो। हेलो, मैं करने वाला हूं। हेलो हेलो, आंटी या तो क्रैंक कॉल है या तो रॉन्ग नंबर है। नंबर तो राइट ही है, फिर बात क्यों नहीं कर रहा कोई? मुझसे तो बहुत कर रहा था। कौन है? वही जो तुम्हें कभी फूल, कभी लिफ्ट, कभी जाने क्या क्या देता रहा है। कौन? विजय। हेलो, इज दैट विजय? हाँ। विजय बोलो। मैं बोला उसने, बस मैं कर रहा है। विजय मैं फोन लेके बैठी हूँ, कुछ कहना चाहते हो विजय? कुछ बोलोगे या मैं फोन रखूं? अंशु आई लव यू। कह दिया? क्या बोली? खाक बोली, सब तेरी वजह से। देख ये आईडिया मेरा नहीं था, ये टकले का था। अबे गफलत, कंप्यूटर का था, कंप्यूटर का था। अरे वाह, आज तो मेरी अंशु कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है भाई। क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, मैं ऐसे ही बाहर जा रही थी। अच्छा, ऐसे ही? तो तुझे इससे पहले कभी इतना सज धज के बाहर जाते नहीं देखा। क्यों, क्या खास बात है? ये तो तू ही बता, इतना तो कोई दूसरों की निगाहों के लिए ही सजता है। कुछ नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ हॉस्पिटल जा रही थी बॉस से मिलने। ओहो, फिर तो तेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों? मिस्टर सक्सेना को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनकी वाइफ का फोन आया था। अरे अंशु, तेरा चेहरा क्यों उतर गया भाई? मरीज के ठीक होने की खबर सुन के किसी को उदास होते तो मैं पहली बार देख रही हूँ। कब आया था फोन? फोन को मार गोली, मुझे तो ये चिंता लगी हुई है कि वहाँ कोई और भी तो आया होगा देखने वाला मरीज को। अब उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है? आंटी, कल रात जो हुआ उसके लिए माफी चाहता। देखिए, मैंने जो आपसे फोन पे कहा वो मेरा मतलब नहीं था। क्या आपका मतलब वो नहीं? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं बोलना कुछ और चाहता था और बोल कुछ और गया। क्या बोलना चाहते थे? बोलना तो वही चाहता था, लेकिन सबके साथ था ना। क्या? नहीं नहीं, वो सिर्फ वो बोलना क्या था समझ में नहीं आया, तो जैसे दोस्तों ने कहा कह दिया आई लव यू। यानी कि आप मुझसे नहीं बोलना चाहते आई लव यू? ये मैंने कब कहा? अभी आप यही तो कह रहे हैं कि आप कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन आई लव यू कह गए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ए, चोर, 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 मेरा गाड़ी चोर, मेरा समझता क्या? मैं छोड़ेगा नहीं, पुलिस कंप्लेंट करेगा, क्रिमिनल केस करेगा। अंशु, अंशु, इसलिए तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? आई लव यू बोलने की। अच्छा, तो आई लव यू बोल के आपने गलती की? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, आपसे माफी मांगी, ये मेरी गलती है। बड़े बदतमीज है आप, एक तो जो कहना कहते नहीं, ऊपर से फोन करके बकबक करते हैं, अब माफी मांगने से मना कर रहे हैं। मेरे को माफी नहीं, इसका गार्डन चाहिए, गार्डन गार्डन चाहिए। चुप, आप हमेशा हमारे बीच में क्यों बोलते हैं? हमारा आपस का मामला है। ये हमारा भी आपस का मामला है। चुप कर, अरे सुनिए तो। क्यों सुनो, अब और क्या बाकी रह गया है? क्या जरूरत है फोन पे मजाक करने की? ये मजाक नहीं है, मैं सचमुच आपसे वही कहना चाहता हूँ। तो अभी माफी मांगी, मुझे बेवकूफ बना रहे? जी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप नाराज हो गई इसलिए। और आपको ये भी लगा होगा कि मैं आपसे नहीं, यहाँ अपने मरीज से मिले आई हूँ, है ना? हाँ, हाँ।
पता नहीं कि मेरा मरीज आज सुबह डिस्चार्ज हो गया है। तो मैं शट अप, ना आपको प्यार करना आता है और ना माफी मांगना। जी आप सही कह रही है, ना तो मुझे माफी मांगनी आती है ना ही प्यार करना आता है, मुझे तो सिर्फ कोशिश करनी आती है। तो कोशिश करते रहिए जी। पता है तुम्हें, मैं 2 साल की थी जब मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद मेरे अंकल आंटी ने मुझे पाला। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? यहाँ नहीं है, कुछ अकेले रहने का शौक है मुझे। नहीं क्यों, तुम्हारी आंखें वो नहीं कह रही जो तुम कह रहे हो। डर लगता है, आज तक यही सीखा है कि सच्चाई खूबसूरत नहीं होती। मतलब तुम मिल गई, इस बात पर यकीन नहीं होता। हो जाएगा। ओ माय गॉड, बहुत देर हो गई। चलो राहुल। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? हाय मुन्ना, मुझे दीजिए। अरे इतने दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे? इसको खुद को पता नहीं है तो आपको कैसे बताएगा है? मतलब छोकरी का लफड़ा है साला, चक्कर। छी, इतने प्यार भरे शब्द को कितना घटिया बना देते हो, चक्कर लफड़ा। माल तो वही है ना, सिर्फ लेबल चेंज करो बस, प्यार मोहब्बत चक्कर। अच्छा क्या बाबा, फर्क पड़ता है? तुम्हारी जबान में बात करती हूँ, ठीक है? माल तो असली है ना, मैं मतलब तुम उससे प्यार करते हो ना? कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके साथ तुम शीशे में बातें किया करते थे? उसकी जिक्र से शर्माते हो, तो उसके सामने क्या बात की होगी? क्या बात की ही नहीं। कनेक्शन तो हो गया है सिर्फ। तुमसे पूछा मैंने, तुम राहुल को लेकर घर जाओ। चले 1.5 फुट। और तुम चलो, जरूरी बातें करनी है तुम्हारे साथ। कैप्टन, तुमने कभी सोचा है कि जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? हाँ क्या? उसे सच बताऊंगा तो नफरत करने लगेगी मुझसे, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। झूठ बोलोगे तो वैसे भी उसे खो दोगे, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारे सच में तुम्हारा प्यार झलकेगा जिसे वो इनकार नहीं कर सकती। और इतना जान लो कैप्टन कि तुम मवाली हो ये तो वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन तुम एक मकार हो ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मकार नहीं हूं दीदी, लेकिन आप एक औरत है, आप ही बताइए, अगर कल आपको पता चलता कि आनंद बाबू वकील नहीं है, गुंडे है, मवाली है, तो आप क्या करती? मैं उनसे तभी प्यार करती। लेकिन मैं उनसे इतना जरूर कहती कि अगर वो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उन्हें बदलना होगा, और इसमें मैं उनकी पूरी मदद करती हूँ।